न्यूज, एक बड़ी खबर। पेंसिल्वेनिया स्टेट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, पेंसिल्वेनिया हैज नाउ ऑफिशियली डिक्लेयर्ड दिवाली ए रिकॉग्नाइज्ड स्टेट हॉलिडे। पेंसिल्वेनिया जो कि अमेरिका की एक रियासत है, उसने 31 अक्टूबर को यानी कि दिवाली के रोज पब्लिक हॉलिडे अनाउंस कर दी है। उनका मकसद ये है कि जो भी हिंदू बरादरी है वो अपने मजहबी जोशो खरोश के साथ दिवाली के इस त्यौहार को सेलिब्रेट कर सके। पिछले साल हमने देखा कि सऊदी अरेबिया में, यूएई के अंदर और इसके अलावा 8 मुस्लिम ममालिक में दिवाली के इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया गया। एंड गवर्नर जोश शैप्रियो साइनिंग ऑफ बाईपार्टिजन लेजिस्लेशन, जिसके तहत ये कहा गया है कि द लॉ इफेक्टिव डेजिग्नेट्स दिवाली एज ए हॉलीडे ऑन द 15th डे ऑफ कार्तिक इन द हिंदू लूनिसोलर कैलेंडर। तो पेंसिल्वेनिया ऑफिशियली इज द फर्स्ट स्टेट ऑफ अमेरिका जो डेजिग्नेट किया है कि हॉलीडे होगा, दिवाली इज ए स्टेट हॉलीडे। कॉन्ग्रेचुलेशंस टू एवरीवन के जो दिवाली सेलिब्रेट करता है। ये एक बड़ी खबर इसलिए है कि ये पहली स्टेट है अमेरिका की जिसने ऑफिशियली ये डिक्लेयर किया है। बारे में मेरा तो जैसा कि अभी दिवाली का सीजन है और दिवाली का त्योहार बहुत ही नजदीक आ चुका है और इसके बाद में दिवाली मनाई जा रही है पूरी दुनिया में धूमधाम से, जिस चीज को देखकर काफी हैरान हो चुके हैं पाकिस्तानी मीडिया वाले, क्योंकि अभी तक तो वो हैरान इस बात को लेकर थे कि यूएई में और इसके बाद में दुबई में, सऊदी में, सब जगह पर किस तरह से धूमधाम से दिवाली मनाई गई। और इसके बाद में अब अभी तक यूएसए में इस चीज को लेकर इतना कोई सरकार की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं किया गया था, लेकिन इस बार यूएसए में भी पेंसिल्वेनिया स्टेट ने अपने यहाँ पर दिवाली को ऑफिशियल घोषित कर दिया गया है, ऑफिशियल अवकाश घोषित कर दिया गया है। और ये यूएस का पहला कदम है जो कि भारत के प्रति, जो इस त्योहार के प्रति, भारतीय त्योहार के प्रति लिया गया है और इसमें ऑफिशियल छुट्टी घोषित की गई है। तो इस चीज को लेकर पाकिस्तानी मीडिया काफी हैरान हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से उनको दिख रहा है कि पूरी दुनिया हिंदू त्योहारों के लिए सजग हो रही है, हिंदू त्योहारों को मनाने के लिए छूट दे रही है, और वहीं पाकिस्तान में आप देखेंगे कि ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। वहां पर ऑफिशियल छुट्टी किसी चीज की नहीं दी जा रही है, माइनॉरिटी को खत्म करने के लिए, माइनॉरिटी पर जुल्म करने के लिए तरह तरह के अलग अलग हथियार और कानून बनाए जा रहे हैं जिससे कि इन लोगों को कंट्रोल में रखा जा सके। और जब ये देखते हैं कि पूरी दुनिया बाकी जहां पर भी माइनॉरिटी के रूप में हिंदू हैं या कोई भी कम्युनिटी है और उनको छूट मिलती जा रही है, तो इन लोगों को चिढ़ होने लगती है और इनमें से तो कुछ ये कहने लगते हैं कि हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, हमें माइनॉरिटी को हक देना है लेकिन इस तरह से नहीं देना है कि उसको प्रमोट किया जा सके। तरह तरह के ज्ञान वो अपने जो है इस लॉजिक को लेकर चलते रहते हैं पाकिस्तानी और बताते हैं कि इस तरह से नहीं होना चाहिए। कुछ पाकिस्तानी इसको सही भी मानते हैं, वो कहते हैं नहीं सही है, इस तरह से छूट होनी चाहिए, इस तरह से लोगों को छूट देना चाहिए। लेकिन अब आप देखेंगे कि सरकार क्या कह रही है। सरकार तो वहां की आप समझिए माइनॉरिटी को खत्म करने की पूरी कोशिश कर चुकी है, अपने पूरा दमखम लगा चुकी है, और जब दमखम लगाने के बाद जो अब आज की स्थिति है वो बची हुई है, बाकी उसने अपनी तरफ से कोई कोर कसर नहीं छोड़ी अपने यहाँ पर माइनॉरिटी को खत्म करने पर। और इसके बाद में लेकिन अब दुनिया भर से लोग मोहब्बत का पैगाम दे रहे हैं, लोगों को दिखा रहे हैं कि हम माइनॉरिटी के कितने फेवर में हैं, हम कितनी आजादी दे रहे हैं, उन्हें ऑफिशियल छुट्टी दी जाती है और खासकर हिंदू लोगों के लिए कितनी इज्जत लोगों के सामने बढ़ रही है। ये सारी चीजें देखकर पाकिस्तानी मीडिया हैरान होती है और हैरान हो रही है और ऐसे ही हैरान होगी। और ऐसा नहीं था कि यूएस में कोई पहली बार दिवाली मनाई जाती है, दिवाली वहां हर साल मनाई जाती थी, लेकिन वहां पर ऑफिशियल छुट्टी नहीं होता था। उस दिन हिंदू लोग अपना मनाते थे, बाकी कोई ऑफिशियल छुट्टी का अरेंजमेंट नहीं होता था, लेकिन इस बार पहला स्टेट ऐसा निकला है अमेरिका से जो कि अपने यहाँ पर ऑफिशियल छुट्टी घोषित कर चुका है। और इसी चीज में अब धीरे धीरे डेवलपमेंट होगी और जहां तक है कि हो सकता है कल को पूरे यूएस में इसको ऑफिशियल कर दिया जाए। लेकिन हमारे दिवाली के त्यौहार में पावर तो है, क्योंकि वो जिस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करता है, एक रोशनी के त्यौहार के रूप में दुनिया भर में छाता जा रहा है, उसको देखकर वाकई में हैरान होने की बात है लोगों के लिए जो भी अलग कम्युनिटी से हैं। और इसके बाद में ये एक बहुत ही बड़ी खबर है जो यूएस में ये पहली बार हुआ है। तो चलिए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं पूरा मामला। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना। पॉइंट ऑफ ये है कि हमें किसी भी माइनॉरिटी को या कम्युनिटी को, हमें उसकी जो सेलिब्रेशन है ना, उसकी जो स्पेशल हॉलीडेज है, हमें पब्लिकली उन्हें अनाउंस नहीं करना चाहिए।
चाहिए। इसका एक मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि इस तरह जब हम दूसरे के कल्चर को प्रमोट करते हैं तो बेसिकली हम अपनी कम्युनिटी में ना एक उसके रिलीजन को जो है वो फ़रोग दे रहे होते हैं। अच्छा। तो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है कि ऐसा नहीं होना चाहिए, पब्लिकली अनाउंसमेंट नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर जैसे कुछ ज़िम्मी लोग हैं, अगर वो, वैसे अब तो किसी भी कंट्री में ज़िम्मी लोग होते नहीं हैं, लेकिन अगर वो ज़िम्मी लोग हैं तो वहाँ पर हम उन्हें ये राइट दे सकते हैं। लेकिन बेसिकली अब कोई भी जितनी भी कंट्रीज हैं वहाँ पर ज़िम्मी नहीं रहते, इसलिए हमें पब्लिकली अनाउंस भी नहीं करना चाहिए। हमारा इस्लाम और हमारा कानून ख़ुद इस चीज़ की इजाज़त देता है कि अकलियतों को मजहबी आज़ादी होनी चाहिए, लेकिन ये चीज़ अभी यहाँ पाकिस्तान में तो नहीं हो रही। मैं बात कर रही हूँ अमेरिका के एक स्टेट की कि वहाँ पे पब्लिक हॉलीडे अनाउंस की गई है। लेकिन अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो हमारे परचम में भी सफ़ेद रंग इस बात की अकासी करता है कि पाकिस्तान में रहने वाली तमाम माइनॉरिटीज़ को जो है हम तहफ़ देंगे और उन्हें अपने पूरी राइट है, मजहबी आज़ादी उन्हें हासिल होनी चाहिए। देखिए, जो माइनॉरिटी राइट्स की बात की जाती है ना इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से या शरीयत में, जो उन्हें ये हकूक दिया गया है वो उनके टैक्स की बिना पर दिया गया है, क्योंकि अगर वो लोग ज़िम्मी होंगे तो वो जो है वो इस पर देंगे। लेकिन अब किसी भी कंट्री में ज़िम्मी ही नहीं है, तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है ना वो शरई हैसियत की बिना पर ज़िम्मी का ये राइट है तो वो ज़िम्मी नहीं है, इसलिए उनका ये राइट बनता भी नहीं है। इलेक्शन होने में कुछ दिन बाकी, बल्कि इलेक्शन तो हो रहे हैं, कुछ दिन बाकी क्या, इलेक्शन हो रहे हैं इस वक्त, और इस दौरान गवर्नर की तरफ से, गवर्नर जोश शैपियो की तरफ से एक बिल लाया जाता है और वो बिल पास किया जाता है जिसमें ये कहा जाता है कि अब जो दिवाली है वो उसको हम ऑफिशियली रिकॉग्नाइज्ड करेंगे एज ए स्टेट हॉलीडे। तो ये एक बड़ी अहम बात है, बड़ी बात है। अमेरिका एक वेस्टर्न डेमोक्रेसी का एक चैंपियन मुल्क है और वो बहुत बड़ी इंसानी कुर्बानी और तगदौ से निकल के उन लोगों ने कुछ अच्छी रिवायात को अपनाया है। उसमें से ये एक जो अच्छी रिवायत जो उसने गेन की है कि बाकी जितनी भी कम्युनिटीज़ हैं, लाइक हिंदूज़, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट आपने कहा, और इन के दरमियान ये बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के लिए इस्लाम सबसे बड़ा चैम्पियन है। इस्लाम सबसे बड़ा चैम्पियन है जो इन तमाम इंसानों को वहदत इंसान और वहदत इंसानियत की तरफ दावत देता है। ठीक है, और मैं बहसियत पाकिस्तानी मैं बिल्कुल इस नज़रिए की हिमायत के अंदर हूँ कि आपको इस तरह के जितने भी त्यौहार हैं उन और उनके इनेकाद के अंदर पाकिस्तानी अवाम को भी हिस्सा लेना चाहिए और सरकारी सतह के ऊपर इसको इनक्रेज करना चाहिए। और पेंसिल्वेनिया ही नहीं बल्कि यूएस की कई ऐसी स्टेट्स हैं जिसमें ऑलरेडी दिवाली बहुत जोश और खरोश के साथ मनाई जाती है, बड़े बहुत ज़्यादा। मैं आपको ये जो पिक्चर्स दिखा रही हूँ ना, ये रियल पिक्चर्स हैं, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से नहीं बनाई गई। और ये देखिए, मैं आपको एक पिक्चर दिखाती हूँ तो आपको ये पता चलेगा कि न्यूयॉर्क में कैसे मनाई जाती है। न्यूयॉर्क में इतनी ज़बरदस्त तरीके से दिवाली मनाई जाती है कि मैं देख रही थी कि इसकी अभी जो इस बार जो दिवाली हुई थी लास्ट टाइम, उसकी जो पिक्चर्स आई हुई थी जिसमें ये दिखाया गया था कि वहाँ पे बाकायदा जो टाइम स्क्वायर है वहां पर दिवाली की परेड होती है, दिवाली के ऊपर डांस किया जाता है और इतनी बड़ी तादाद में, खासतौर पर आपको पता है कि जो हिंदू कम्युनिटी है, इंडियन कम्युनिटी जो है वो बहुत बड़ी है अमेरिका के अंदर, एक बहुत बड़ी इंटरनेशनल मार्केट बन रही है। ठीक है, उनकी उनके साथ कोलैबोरेशन इतनी ज्यादा है, उनकी रिसोर्सेज उतने ज्यादा है वहाँ पे, तो वो सुपर पावर के साथ इतना ज्यादा अटैचमेंट है उसकी कि वो अपने आप को एक्नॉलेज करवा रहा है वहाँ पे, तो लिहाजा दुनिया की भी जरूरत है, इंटरनेशनल मार्केट है वहाँ पे, बहुत सारे रिसोर्सेज वो हायर करते हैं, वो ह्यूमन रिसोर्सेज हों, वो कोई मादनियात मिनरल रिसोर्सेज हों, मुख्तलिफ तरह से वो रिसोर्सेज दुनिया से वहाँ पे लेके जाते हैं, तो वो एक समझे कि मजबूरी है अमेरिका की भी कि इंडिया के साथ अलायंस रखना, क्योंकि वो एक इनका अलायंस। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि इंडिया की जो सकाफत है, उनका जो कल्चर है, उनके जो रस्म व रिवाज हैं, वो गुजरते वक्त के साथ साथ पूरी दुनिया में एक्सेप्ट किए जा रहे हैं, सेलिब्रेट किए जा रहे हैं। पिछले साल हमने देखा कि 8 के करीब मुस्लिम ममालिक ने दिवाली का त्यौहार जो है वो सेलिब्रेट किया था। सऊदी अरेबिया की बात करें, हम यूएई की बात करें, इस्लामी ममालिक में भी जो है इनके त्यौहार सेलिब्रेट किए जा रहे हैं, दिवाली, होली। देखिए, उसकी मेजर तो बाकी मुल्कों के देखे जाए तो मुफाद होते हैं। हाँ। एक दूसरे के मुल्कों के साथ किसी की दोस्ती नहीं होती, मुल्कों के मुफाद हैं, दुनिया को उनके साथ मुफाद है, उनको दुनिया के साथ मुफाद है, वो लोगों की ज़रूरत बनते जाते हैं आने वाले वक्त में, और उनकी
हुकूमत की पॉलिसी इस तरह से है कि वो लोगों के साथ अच्छा फेमिलियर वे में अब दूसरे मुल्क के साथ अपना रिलेशन कायम कर रहे हैं, तो इसलिए है ना हमारे उनकी डेमोक्रेसी पॉलिसी इस तरह से है कि दूसरे मुल्कों के साथ उनका अलायंस अच्छा है, तो इसलिए वो इकनॉलेज अपने आप को करवा रहे हैं ना। हम अगर किसी के साथ हमारा अच्छा रिलेशन होगा तो हम उसको इकनॉलेज करवाएंगे ना, उसको कोई बात कहेंगे तो वो हमारे एक्सेप्ट करेगा।